हेलो गाइस, कैसे हो सब? तैयार आ चुके हैं नए वीडियो के साथ वापस। और आज के वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ साउथ की टॉप 5 साइंस फिक्शन मूवीज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये है साइंस फिक्शन मूवीज का पार्ट 5। यार आप में से काफी लोग डिमांड कर रहे थे कि भाई यार साइंस फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट लेकर आओ, और मैंने बोला था कि यार लेकर आऊंगा, बट आप सभी को पता ही होगा कि यार साउथ इंडियन में उतनी ज्यादा साइंस फिक्शन फिल्में नहीं बनी है। बट यार मैंने काफी ज्यादा रिसर्च की और बट फाइनली मुझे 5 फिल्में मिल चुकी हैं जो कि मैं आज को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। काफी कमाल की साइंस फिक्शन फिल्में मुझे ढूंढने में मिली है। कुछ ऐसी फिल्में हैं जो जिनका नाम भी आपने शायद ही नहीं सुना होगा। तो यार फिल्में एकदम गजब की होने वाली है। वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और वीडियो में यार बनाने में यार काफी ज्यादा मेहनत लगी है, तो यार इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए यार बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 5 पर जो मूवी आती है इसका नाम है कंट्रोल सी। फिल्म को रिलीज कराया गया था 2016 में। फिल्म के लीड रोल में आप सभी को दिशा पांडे, अशोक, सकलाकर शंकर, पृथ्वीराज और भी कई सारे कलाकार देखने को मिल जाते हैं। इस फिल्म को IMDb की तरफ से कोई रेटिंग नहीं मिली हुई है, बट इस फिल्म को गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को 88% लाइक किया है। बात की जाए फिल्म की बेसिक स्टोरी लाइन के बारे में, सर इस फिल्म में आप सभी को दो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कहानी देखने को मिलने वाली है जिनके हाथ एक हार्ड डिस्क लगती है। जी हाँ दोस्तों, उस हार्ड डिस्क में ऐसा क्या रहता है जिसकी वजह से फिल्म साइंस फिक्शन बन जाती है? फिल्म काफी गजब की है। वो हार्ड डिस्क क्या है उसके बारे में आप सभी को ज्यादा नहीं बता सकता, नहीं तो स्पॉइलर हो जाएगा, फिर बोलोगे कि भाई यार मजा खराब कर दिया। तो जाकर इस फिल्म को देखिए, बहुत ही गजब की साइंस फिक्शन फिल्म है। मुझे काफी मजा आया था इस फिल्म को देखते हुए। काफी कमाल का कॉन्सेप्ट भी है यार, मैं आप सभी को बता नहीं सकता, नहीं तो यार मजा खराब हो जाएगा। सो यार इस फिल्म में देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त फिल्म है। ये फिल्म आप सभी को YouTube पर शायद ही मिले, बट अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर रखा है तो वहां पर मैं इस फिल्म का डाउनलोड लिंक दे दूंगा, वहां से आप इस फिल्म को आसानी से डाउनलोड करके देख सकते हो। तो फटाफट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना अगर ये फिल्म देखना है आपको। नंबर 4 पर जो मूवी आती है इसका नाम है स्मार्ट शंकर। फिल्म को रिलीज कराया गया था 2019 में। फिल्म के लीड रोल में आप सभी को राम पोतिनेनी, निधि अग्रवाल, नभानती, सत्यदेव, ब्रह्मानंदम और भी कई सारे कलाकार देखने को मिल जाते हैं। IMDb की तरफ से इस फिल्म को 10 में से 5.5 की रेटिंग मिली हुई है, और 91% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक किया है। बात की जाए फिल्म के बारे में, सो यार इस फिल्म के बारे में क्या ही बात की जाए। मुझे नहीं लगता कि यार इस फिल्म को किसी ने मिस कर रखा होगा। वैसे मैंने पहले सोचा था कि यार इस लिस्ट में इस फिल्म को नहीं डालूंगा, क्योंकि यार सभी लोगों ने लगभग देख ही रखा है, बट मैंने डाला क्योंकि यार बहुत सारे लोग ऐसे रह भी जाते हैं जो यार उनको पता भी नहीं चलता कि यार इतनी मस्त फिल्म है। सो यार उनके लिए मैंने इस लिस्ट में इस वीडियो को डाला है। सो यार जिन लोगों ने इस फिल्म को नाम नहीं सुना है, पहली बार सुना है, जो लोग नहीं जानते हैं, जाइए फटाफट इस फिल्म को देखिए। काफी कमाल की साइंस फिक्शन फिल्म है। फिल्म में आप सभी को मस्त ब्रेन ट्रांसफर वाला भी फॉर्मूला देखने को मिलेगा, जो कि देखने में मजा आएगा। तो जाइए फटाफट इस फिल्म को निपटाइए, काफी गजब की फिल्म है जिन लोगों ने नहीं देखा। और जिन लोगों ने देखा है तो नीचे कॉमेंट करके बताओ कि यार ये फिल्म आप सभी को कैसी लगी थी। नंबर 3 पर जो मूवी आती है इसका नाम है सुपर टैक्सी। फिल्म को रिलीज कराया गया था 2018 में। फिल्म के लीड रोल में आप सभी को विजय देवरकोंडा, प्रियंका, मालविका नायर, श्रीजू और भी कई सारे कलाकार देखने को मिल जाते हैं। IMDb की तरफ से इस फिल्म को 10 में से 7 की रेटिंग मिली हुई, और 94% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक किया है। ये कमाल की साइंस फिक्शन हॉरर थ्रिलर मिस्ट्री फिल्म है। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म की कहानी के बारे में बात करें तो यार फिल्म में आप सभी को विजय देवरकोंडा एक टैक्सी ड्राइवर के रोल में नजर आने वाले हैं। जो टैक्सी वो चलाते हैं वो काफी अजीब सी टैक्सी होती है, उसमें अजीब अजीब हरकतें होती हैं। वो हरकतें क्यों होती है, इसके पीछे का राज क्या होता है और मिस्ट्री क्या होती है, सभी सॉल्व करते हैं इस फिल्म में विजय देवरकोंडा। फिल्म एकदम गजब की है, सभी ने बहुत पसंद किया। और आप विजय देवरकोंडा के फैन हैं और आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो जरूर देखना चाहिए, काफी गजब की फिल्म है। यह फिल्म आप सभी को YouTube पर तो नहीं मिलेगी, बट टेलीग्राम पर मैं आप सभी को इसको लिंक दे दूंगा, आप वहां से इस फिल्म को डाउनलोड करके देख सकते हो। नंबर 2 पर जो मूवी आती है इसका नाम है मार्शल। फिल्म को रिलीज कराया गया था 2019 में। फिल्म के लीड रोल में आप सभी को मेघा श्रीकांत, मेघा, अभय, रश्मि सिंह, सुमन और भी कई सारे कलाकार देखने को मिल जाते हैं। IMDb की तरफ से इस फिल्म को 10 में से 6.9 की रेटिंग मिली हुई है, और 86% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक किया है। बात की जाए फिल्म के बारे में, सर ये किस फिल्म के बारे में क्या ही बात की जाए। जी हाँ दोस्तों, ये इस लिस्ट की वन ऑफ द बेस्ट साइंस फिक्शन फिल्मों में से एक है। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म वैसे मैं नंबर 1 पर रखना चाहता था, बट यार इस फिल्म की IMDb रेटिंग थोड़ी कम थी जिसकी वजह से ये फिल्म नंबर 1 पर नहीं जा सकी। बट मैं आप सभी को बता दूं कि यार ये एक प्योर साइंस फिक्शन फिल्म है। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में जो साइंस फिक्शन दिखाया गया ना, वो एकदम गजब का है, आपने शायद ही किसी फिल्म में देखा होगा। इस फिल्म की बेसिक स्टोरी लाइन के बारे में आपको बता देता हूँ। इस फिल्म में आप सभी को एक ऐसे सुपरस्टार की कहानी देखने को मिलने वाली है जो यार एक सुपरस्टार होने के साथ साथ एक साइंटिस्ट भी होता है, और वो सभी के पीछे और किसी को पता नहीं होता है वो काफी कमाल का एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। वो एक्सपेरिमेंट क्या होता है और
और उससे लोगों में क्या असर आता है, सभी इस फिल्म में देखने को मिलेगा। फिल्म बहुत ही गजब की यार, एक बार तो आपको जरूर देखना चाहिए। ये फिल्म भी आप सभी को यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, बट टेलीग्राम पर मैंने इस फिल्म को दे दिया है, आप वहां से इस फिल्म को डाउनलोड करके आसानी से देख सकते हो। मिस बिल्कुल भी मत करना, बहुत ही गजब की फिल्म है। और जिन लोगों ने देखा है तो यार कमेंट करके बताना कि यार ये फिल्म आप सभी को कैसी लगी थी। नंबर वन पर जो मूवी आती है इसका नाम है वर्दी कदम। फिल्म को रिलीज कराया गया था 2018 में। फिल्म के लीड रोल में आप सभी को जयाम रवि, राशि खन्ना, संपत राज, बाबू एंथनी और भी कई सारे कलाकार देखने को मिल जाते हैं। आईएमडीबी की तरफ से इस फिल्म को 10 में से 7.1 की रेटिंग मिली हुई है और 94% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक किया है। बात की जाए फिल्म की बेसिक स्टोरी लाइन के बारे में, तो यार फिल्म में आप सभी को एक ऐसे ईमानदार पुलिस वाले की कहानी देखने को मिलने वाली है, जिसकी ईमानदारी की वजह से कुछ लोग उसे नौकरी से हटवा देते हैं। वह कौन लोग होते हैं जो उसे नौकरी से हटवा देते हैं, उसके बाद जयाम रवि कैसे उनसे बदला लेते हैं, वो इस फिल्म में देखने में एकदम गजब का है। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में वो साइंस फिक्शन की मदद से कैसे उनसे बदला लेते हैं, इस फिल्म में देखने को मिलने वाला है। फिल्म एकदम जबरदस्त है, जो आप सभी को यूट्यूब पर भी हिंदी में मिल जाएगी। काफी मजेदार फिल्म है, आप सभी को एक बार देखना चाहिए। काफी मस्त रिवेंज फिल्म भी है और काफी बढ़िया साइंस फिक्शन, तो सभी इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है तो आपको देखना चाहिए, और जिन लोगों ने देखा है तो कमेंट करके बताओ कि यार ये फिल्म आपको कैसी लगी थी। सो फ्रेंड्स, यही था साउथ की टॉप 5 साइंस फिक्शन मूवीज का पार्ट 5। आपको कैसा लगा यार हमें लाइक करके और नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और यार हमें इसका अगला पार्ट लाना चाहिए या नहीं ये भी हमें कमेंट करके बता देना। और अगर आप इन फिल्मों को देखना चाहते हैं तो सभी फिल्मों का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो फिल्म जहां अवेलेबल है वहां का लिंक दे दूंगा, आप उन फिल्मों का आसानी से, कुछ फिल्में यूट्यूब पर हैं वो भी देख लेना, और जो फिल्म टेलीग्राम पर अवेलेबल है उन फिल्मों को भी डाउनलोड करके देख लेना। तो सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो यार आज के इस वीडियो में बस इतना, मिलता हूं सभी से एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।